से क्या होता चला जा रहा, अपना और हमारा तमाशा बनवा रही हो। तुम्हें, तुम तो पागल हो गई, तुम तो ऐसी नहीं थी। कोई भी दो टके का नहीं होता। He has his self respect. तुम्हारे मियाँ का सिलसिला, तो वो क्यों और लोगों के साथ घूम रहा है? क्या कमी रह गई है तुम में कि वो दूसरों में ढूंढ रहा है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुकून ड्रामे के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज होते हुए नजर आएंगे। दान रजा से कहता है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, तुम्हें जरा सी भी अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है। मुझे अफसोस होता है अंकल आंटी को तुम्हारे जैसा बेटा मिला जो बिल्कुल भी उनकी बात नहीं मानता और उनको किसी भी महफिल में जलील करवाए बगैर नहीं छोड़ता। अब मैं रजा हमदान से कहता है, दफा हो जाओ तुम मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ और अपनी शक्ल भी मुझे मत दिखाओ। हमेशा मुझे सच्चाई का पाठ पढ़ाने के लिए आ जाते हो, तुम मेरे बाप नहीं हो, एक काफी है मेरे लिए। जवाब में हमदान कहता है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे मुंह लगने का, ये तो अंकल की मोहब्बत में मैं तुमसे आकर बात कर लेता हूँ, नहीं तो तुम्हारे जैसे बदकिरदार शख्स से मैं कभी जिंदगी में बात भी ना करूँ। जवाब में रजा कहता है, तुम किस तरीके से बात कर रहे हो मुझसे, दिमाग तो तुम्हारा ठीक है? नौकर हो तुम हमारे, मालिक बनने की कोशिश मत करो। ऐसा ना हो जो तुम ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हो इससे तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। जवाब में हमदान कहता है, मैं तुम्हारी तरह अपने बाप के टुकड़ों पे नहीं पला, जो कुछ भी मैं आज हूँ इसमें मेरी मेहनत है और इससे तुम कुछ भी नहीं हासिल कर सकते। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।